भिंत फूल सिंह बरालिया टिकमगढ़ मध्य प्रदेश, पंकज अहिरवार मध्य प्रदेश सतना, सिद्धार्थ कुशवाहा मध्य प्रदेश सिद्धी, कमलेश्वर पटेल मध्य प्रदेश मंडला एसपी, ओमकार सिंह मार्कम मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा, नगुल नाथ मध्य प्रदेश देवास, राजेंद्र मालविया मध्य प्रदेश दार, राधेश्याम मोवल मध्य प्रदेश खरगोन, पोरलाल खाटे मध्य प्रदेश बैठूल, रामू ठेकम देन राजस्थान बीकानेर, गोविंद राम मेघवाल राजस्थान चुरू, राहुल कसवाल राजस्थान झुंझुनू, ब्रिजेंद्र ओला राजस्थान अलवर, ललित यादव राजस्थान भरतपुर मिसेस संजना जाधव, राजस्थान टोंक सवाई माधोपुर अर्शचंद्र मीणा, जोधपुर राजस्थान करण सिंह कुचियाडा, राजस्थान जालोर वैभव गहलोत, राजस्थान उदयपुर ताराचंद मीणा, राजस्थान चित्तौड़गढ़ उदयलाल अंचना, उत्तराखंड तेहरी जहर गढ़वाल, जोत सिंह गुनसोला, उत्तराखंड गढ़वाल गणेश गुंडियाल। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। और मध्य प्रदेश की सीटों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर जिसमें कि छिंदवाड़ा से नकुलनाथ के नाम का ऐलान हो चुका है, मंडला से ओमकार मरकाम को यहां प्रत्याशी बनाया गया है, बैतूल से रामू टेकाम को उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बनाया। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, राजस्थान और ये 43 उम्मीदवारों का नाम जारी किया गया। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी वहां जुटे हैं दिल्ली में इस वक्त, जो कि इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मौजूद हैं, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, और यहां चर्चा करने के बाद अब यहां जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। सिद्धार्थ कुशवाहा को सतना से टिकट दिया गया है, भिंड से फूल सिंह बरैया उम्मीदवार बनाए गए हैं, पंकज अहिरवार को दिया गया, सीधी से कमलेश्वर पटेल को उम्मीदवार बनाया गया, मंडला से ओमकार मरकाम उम्मीदवार रहेंगे, जबकि छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का नाम तय किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बैतूल से रामू टेकाम को उम्मीदवार बनाया गया, कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभी अभी जानकारी दी गई है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहां ये इंफॉर्मेशन मिली। और आपको बता दें कि अभी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 43 उम्मीदवार जारी किए नाम, जिसमें कि मध्य प्रदेश, असम, गुजरात और साथ ही राजस्थान के कुछ लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। कमलेश्वर पटेल सीधी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में होंगे। और छिंदवाड़ा को लेकर जिस तरह की ऊहापोह की स्थिति थी, कई तरह के कयास, कई तरह की चर्चाएं यहां सियासी गहमा गहमी के बीच, स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के छिंदवाड़ा से उम्मीदवार नकुलनाथ ही होंगे और नकुलनाथ को यहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर जो नाम जारी किए गए हैं, जिसमें सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस पार्टी ने सतना से उम्मीदवार बनाया, फूल सिंह बरैया को टीकमगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की अब उस पर रिएक्शंस आना शुरू हो जाएंगे कुछ ही देर में। इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अभी अभी अपने 43 उम्मीदवारों की सूची घोषित की है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी ने असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन चार राज्यों के उम्मीदवारों का 43 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, जिसमें करीब